हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मी। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी अरबीना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा नंबर सिस्टम। सो गाइस, आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, so how root 5 can be represented on the number line। so guys, हमें बताना है कि हम root 5 को किस तरीके से number line पर represent कर सकते हैं। so आइए guys देखते हैं। so guys, number line पर represent करने के लिए root 5 को हमें by Pythagoras theorem का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो उसके सामने होती है बिल्कुल वो होती है हमारी हाइपोटेनस, जो सबसे लंबी होती है, एंड ये हो गया हमारा बेस नीचे, एंड ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। सो गाइस, इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया होता है और हाइपोटेनस हमसे पूछता है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए बेसिकली हम रूट के अंदर तो हम ठीक है स्क्वायर कर देते हैं, इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो गाइस, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम रूट 5 को भी निकाल सकते हैं। तो रूट 5 को हम बेसिकली कैसे निकालेंगे? सो रूट 5 को हम बेसिकली 2+1 करके लिख सकते हैं, जहां पर हमारा जो बेस होगा उसे हम 2 कर सकते हैं। सो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं गाइस। सो गाइस, बेस हो गया हमारा 2 एंड जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया हमारा 1। सो हमें निकालनी है गाइस हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए बेसिकली हम अब स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम बंद कर देते हैं, पी का स्क्वायर कर देते हैं प्लस बी का स्क्वायर, मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अगर हम करते हैं तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। सो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस इक्वल टू रूट 5। सो गाइस, इस तरीके से हम रूट 5 को निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस, हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है। सो गाइस, नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आप देख लीजिए। सो गाइस, हमने एक लाइन ड्रॉ की। सो लाइन के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर का गैप दे देते हैं। सो गाइस, ये अप्रोक्सीमेटली है क्योंकि ज्यादा मैंने कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं किया अभी भी। सो हम कहीं पे भी यहाँ पे चलो 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा +1, ये हो गया हमारा 2, 3, 4 एंड 5। सो गाइस, हमारा बेस है 2, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे एंड ये हो गया हमारा 2 बेस। देन हम जो हमारा परपेंडिकुलर हो वो हमारा 1, तो हम 1 ऊपर को कर देते हैं, मतलब लाइन खींच देते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो चलो हम तो नाम देते हैं, ये हो गया हमारा O P एंड ये हो गया हमारा Q। सो गाइस, इस तरीके से हमने नाम दे दिया, तो O हो गया हमारा मतलब OP हो गया हमारा 2 एंड जो PQ हो गया मतलब ये हो गया हमारा 1। सो इस तरीके से जो ये हमारी लाइन हो गई हाइपोटेनस, बिकॉज ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो गया हमारी 5। बट गाइस, ये अभी भी नंबर लाइन पर नहीं है क्योंकि ये हमारा ऊपर को है। सो ये हमारा नंबर लाइन कभी भी मतलब कहीं पे भी यहाँ पर नहीं है। सो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए गाइस हमें कंपास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम इस पर कंपास का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो सर्कल बनेगा वो टेढ़ा बनेगा। सो गाइस, इसे हम अभी भी कॉपी में ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, यहाँ पर हमें कंपास रखना है ओ पॉइंट पर और क्यू तक ले जाकर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ से, मतलब एक आर्क लगाना है, ये भी आप कह सकते हो। सो यहाँ से अगर हम जहां पर जैसे हमने सर्कल बना दिया तो यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट को हम कर देते हैं आर। सो ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा जो हमने आर्क लगाया है, ये हमारा पॉइंट होगा हमारा रूट 5, क्योंकि ये नंबर लाइन पर हमारा आ जाता है। तो गाइस, इस तरीके से हम रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीके से हमें आर्क लगाना है, तो चलिए हम इसको कॉपी पर ट्राई करते हैं, मींस अपनी नोटबुक पर ट्राई करते हैं। गाइस, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए
मुझे एक स्केल की जरूरत पड़ेगी एंड एक प्रोटेक्टर की, इसका खाली थोड़ा सा ही काम है। एंड हमें जरूरत पड़ने वाली है कंपास की, एंड उसके साथ मैंने पेंसिल की जगह पर पेन का यूज किया है, एंड इन सभी के साथ मैंने लिया है एक वाइट शीट। तो मैं इनको हटा लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया एक वाइट शीट जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी एंड देखने में भी। सो आइए गाइस रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो मैं स्केल ले लेता हूँ, एंड जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड में किया था तो मैंने व्हाइट बोर्ड में आपको समझा दिया था कि कैसे हमें बनाना है। सो आइए उसी को हम यहाँ पर भी करते हैं। तो मैंने नंबर लाइन ये स्केल ले ली है, तो यहाँ पर मैं जीरो से लेकर जो हमारा यहाँ पर 15 तक है ये स्केल, मतलब 15 सेंटीमीटर की है ये स्केल, तो जीरो से लेकर मैं यहाँ पे 15 तक ले लेता हूँ। सो ये हो गया, एंड यहाँ पर एरो लगा देते हैं, एंड यहीं से गाइस हम यहाँ पर 11 सेंटीमीटर का गैप भी दे देते हैं, मीन्स यहाँ पर लाइन खींच देते हैं 11 गैप की। ये सो गाइस यहाँ पर हमने 11 सेंटीमीटर का गैप दे दिया है। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं -2, यहाँ पर हम ले लेते हैं -1, एंड यहाँ पर हम 0 रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पर हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एंड ये लास्ट 13। सॉरी गाइस 13 आपको दिख नहीं रहा होगा। सो गाइस काम तो सिर्फ हमें यहीं पे है इन 2 से ही। सो यहाँ पर हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दी है। सो गाइस जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड में देखा था कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल था तो उसमें हमने बेस था वो 2 सेंटीमीटर लिया था, एंड जो हमारा परपेंडिकुलर था वो हमारा 1 सेंटीमीटर का था। सो गाइस यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से हम 0 से बेस को आराम से ले सकते हैं। सो गाइस इस पॉइंट को मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। सो इस पॉइंट को हम ओ समझ लेते हैं, एंड जो 2 है हमारा इसको हम पी समझ लेते हैं। सो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगेन स्केल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, इसको हमें कितना भी ले सकते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा टूट रखी है स्केल। सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो 2 से मैं 3 तक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। सो गाइस ये है हमारी 1 सेंटीमीटर की। सो गाइस प्रोटेक्टर का यहाँ पे खाली इतना था कि ये 90 डिग्री में हो सके जो हमारा ये एंगल था। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री में है गाइस यहाँ पर। सो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। सो गाइस काम इसका इतना ही था प्रोटेक्टर का, इसीलिए आप इसे लेते हैं या नहीं लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस इस नंबर लाइन को मैं यहाँ से जॉइंट कर देता हूँ। सो गाइस ये हमारी ओ थी, ये हमारा पी हो गया, तो ओपी हमारी लाइन सेगमेंट थी। तो इसको मैं दे देता हूँ नेम क्यू, इसको हमने क्यू नेम दे दिया। क्यू नेम देने के बाद जो हमारी ये तो हो गया हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, एंड ये जो हमारी हाइपोटेनस है, मीन्स ये तो 90 डिग्री का हो गया, तो ये हमारी हाइपोटेनस है, यही है गाइस रूट 5। मीन्स जो ओ क्यू हमारी जो लाइन बन रही है वही है हमारी रूट 5, लेकिन ये अभी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड नहीं है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट मोड में भी आपको बता चुका हूँ, तो ये अभी ऊपर है मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं है। सो गाइस यहाँ पर हमारा कंपास कैसे वर्क करता है वो आप अभी देखिए। सो गाइस ओ पे हम कंपास की जो मतलब ये नुक है इसको रख देते हैं, एंड पी का जो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी इसके यहाँ पर एकदम एक्यूरेट रख देते हैं। सो इतनी हमारी है, देन अगेन ओ पे देन हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो गाइस जो ये हमने लाइन ड्रॉ करी है इसको हम आर नेम दे देते हैं, सॉरी। सो
इसको यहाँ पे जगह ही नहीं है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर। सो गाइज जो हमारी ये बनी है, ये है हमारी रूट फाइव जो कि हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो जहाँ पर ये पॉइंट हमारा आया है इसको हम आर गिवन करेंगे एंड जो हमारा पॉइंट यहाँ पे आया है यही हमारा रूट फाइव। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइज आपका होमवर्क होगा कि आप, हमने रूट फाइव को तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया, तो इस तरीके से आप घर पे भी ट्राई कीजिए कि हम रूट फोर, रूट थ्री और रूट सिक्स को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड गाइज इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कीजिए लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड इसी तरीके की और वीडियोस के देखने के लिए बगल वाली घंटी बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिले। सो बाय गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।